हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ब्रेथ स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ साबूदाना बड़ा की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी बड़ा बनके तैयार होंगे। सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसको क्रिस्पी बना सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में बनाएंगे एक चटपटी ब्रेथ में खाई जाने वाली चटनी। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साबूदाने को सोक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मोती वाला साबूदाना लिया है और ये मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 कप। मेरे बैंड का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब पानी डाल के हम साबूदाने को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, जिससे कि साबूदाने में जो व्हाइट कलर का स्टार्च रहता है वो इसमें से निकल जाए। देखिए, इस तरह से पानी हो जाता है। तो 2 से 3 बार इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे साबूदाने को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे बारी आती है टिप नंबर 1 की। अगर आप चाहते हो कि आपके साबूदाने क्रिस्पी बने, तो यहाँ पे आप मेजरमेंट का अच्छे से ध्यान रखोगे। जितना आप साबूदाना ले रहे हो उतना ही आपको यहाँ पर पानी ऐड करना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं करना है। अब इसको हम ढक के रात भर के लिए या फिर 5 से 6 घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे के करीब हो गया है, साबूदाना हमारे यहाँ पे अच्छे से सोख हो गया है। बाउल जो है मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने उसको बड़े में ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे कि साबूदाने को अच्छे से जगह मिल जाए फूलने के लिए। अब इसको हम इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। तो ये अच्छे से प्रेस हो रहा है, और जैसे इसको हम वापस गोली बनाएंगे, देखिए इस तरह से, तो ये वापस से गोली बन जाता है। तो ये परफेक्ट साइन है सोख होने का। अब यहाँ पर सोख किए हुए साबूदाने को एक चौड़े बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्ची पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। साथ में डालेंगे यहाँ पर बॉयल किए हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 6 से 7 आलू लिए हैं। अगर आपके आलूओं का साइज़ बड़ा है तो आप कम कर सकते हैं। और इनको हम इस तरह से रफली तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे यहाँ पर ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली का पाउडर, जिसको मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको दरदरा पीसा है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप। इसको हम डाल देते हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नमक, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है, और ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्ची, जिसको मैंने कलपत्ते में क्रश कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, बट कभी कभी बच्चे इनको निकाल देते हैं, इसलिए मैंने क्रश करके डाला है। और साथ में डाल देंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया, और सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये है यहाँ पर टिप नंबर 2। यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को सिर्फ मिक्स करना है, हाथों से बहुत ज़्यादा इनको मैशी नहीं बनाना है। जैसे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ, तो इनको हम हल्का हल्का सा मैश कर देंगे। यानी कि आपका जो साबूदाना है वो दिखना चाहिए, और जो आलू हैं वो भी हल्के हल्के से दिखने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं साबूदाना और जो आलू के बाइट्स हैं वो दिख रहे हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी लगाया है। तो जिस साइज़ के आपको साबूदाने के बड़े बनाने हैं, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर बॉल्स बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से बॉल्स बनाएंगे, और हथेलियों पे रख के इसको हम इस तरह से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो साबूदाने बड़े हैं क्रिस्पी बने, तो आप टिक्कियों को थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो जितने पतले आप टिक्कियाँ बनाएंगे, उतने ही क्रिस्पी आपके साबूदाने बड़े बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से टिक्कियाँ बना के तैयार कर लिया है। चलिए इनको अब हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को पहले ही गर्म करके रख दिया था, और ये मीडियम हॉट तेल है, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। और इनमें हम अब टिक्कियाँ डाल देंगे। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ हमें एक साथ यहाँ पे नहीं डालनी है। अगर आप बहुत सारे बड़े एक साथ डाल दोगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे, और जिस भी करछी से आप इसको चलाओगे उस पर भी ये चिपक जाते हैं, और इनका जो शेप है वो भी ख़राब हो जाता है। तो पहले 1 मिनट इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और जैसे ही 1 मिनट हो जाए इनको हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पलट गए हैं, और इनको मैंने पलटाने के लिए चिमटा यूज़ किया है। आप चाहें तो कच्छी भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इनको हम मध्यम आंच पे सेकने देते हैं, और हम जब तक अपनी एक चटनी बना के रेडी कर लें। तो उसके लिए ले लेंगे मिक्सी का जार, साथ में डाल देंगे यहाँ पर 1/2 कप धनिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची तीखी वाली मैंने ली है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 चुटकी डाल देंगे चीनी, स्वाद के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, 2 चुटकी डाल रही हूँ मैं यहाँ पर जीरा। अगर आप
व्रत में जीरा खाते हैं तो ही ऐड कीजिएगा। आधा नींबू का रस डाल देंगे और साथ में डाल देंगे चौथाई कप सिंगदाना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंगदाना की जगह पर नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी चटनी काफ़ी अच्छी बनती है। और इसको हम बारीक पीस लेते हैं तो यहाँ पे हमारी व्रत की चटनी बनके तैयार हो गई। तो चटनी तो हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। चलिए अब हम अपने बड़ों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे बड़े भी बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।